हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ टीम स्वबिन। और आज हम प्रीव्यू करने वाले हैं SLK वर्सेस TKR का मैच, जो कि मैच नंबर 7 के रूप में खेला जाने वाला है CPL 2021 के लीग में। क्या कुछ दोनों टीम से इम्पोर्टेंट प्लेयर्स एंड लाइनअप्स रहने वाले हैं, आज हम उस बारे में डिस्कस तो करने ही वाले, साथ ही साथ GL टिप्स के बारे में भी बात करेंगे और H2H और वेन्यू शॉर्टलिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। कौन से प्लेयर का क्या रोल रहने वाला है और दोनों ही टीम्स की क्या रणनीति रह सकती है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। एकदम इन डेप्थ एनालिसिस है और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अगर आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आप खुद की भी टीम्स बना के अच्छा खासा विन कर सकते हो। सो उसके लिए आपको एंड तक ज़रूर देखना है इस वीडियो को। अगर पसंद आता है तो एक लाइक करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सबसे मेन बात, अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हम लोगों ने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो वहाँ पर आपको ज्वाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर सारे ही स्पोर्ट्स के और सारे ही मैचेस के बिल्कुल ही फ्री में टीम्स करते हैं, कवर करते हैं, साथ साथ ऑल ऐप्स की और ऑल स्पोर्ट्स वहाँ पर कवर होता है फ्रेंड्स, इसलिए वहाँ पर आपको ज्वाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैच डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो मैच सेंट लूसिया किंग्स वर्सेस टोबैगो नाइट राइडर्स के बीच में मैच होने वाला है और ये मैच नंबर 7 है इस सीरीज़ का, इस लीग का, इस टूर्नामेंट का। वेन्यू के बारे में बात करें तो वार्नर पार्क सेंट किट्स में इसका मैच होने वाला है। डेट एंड टाइम के बारे में बात करें तो 29 अगस्त, जो कि आज है, शाम 7:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपने यहाँ पर, और वहाँ पर लोकल टाइमिंग मॉर्निंग के 10 बजे रहने वाला है। सो ये कुछ था मैच डिटेल्स, और अगर आप ये मैच देखना चाहो तो आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, और एल्स फैन कोड पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है। वो टीम्स रीसेंट मैचेस के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सेंट लूसिया का अपर मैच हुआ था जमैका थलावास के साथ में, और जहाँ पर जमैका ने वहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करते वक्त 255 और 5 रन बना दिए थे, और यहाँ पर SLK की टीम ने 135 पे ऑल आउट हो चुकी थी। ऑल आउट की हुई थी क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा तगड़ा था इनके ऊपर। क्यों तगड़ा था? क्योंकि यहाँ पर 255 जैसा बड़ा लक्ष्य सामने खड़ा कर दिया था जमैका की टीम ने, फिर बैटिंग करने उतरी थी अपनी SLK की टीम, और वहाँ पर ज़्यादा कुछ अच्छा करने पे अंडर प्रेशर। लेकिन टीम डेविड जहाँ पर लोअर मिडल ऑर्डर में आते हैं, मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, वहाँ पर आए, इन्होंने अच्छी खासी यहाँ पर थोड़े से रन बनाने की कोशिश की, मैच को बनाए रखने की कोशिश की। वहाँ पर वहाब रियाज ने भी थोड़ा सा ट्राई किया, लेकिन दोनों ही फ्लॉप हुए। रोस्टन चेस भी यहाँ पर थोड़े से फ्लॉप होते हुए नजर आए थे, लेकिन रोस्टन चेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था, 2 विकेट चटकाए थे, और ओबे मैको ने 3 विकेट चटकाए थे। सो ये कुछ था इनका समरी इस मैच की, जहाँ पर इन्होंने फर्स्ट मैच खेला था। टीम डेविड के बारे में बात करूँगा मैं आगे, और आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। वहाब रियाज ने लास्ट मैच में 3 ओवर में मोस्टली 60 रन कैसे कुछ तो खा लिए थे, तो हो सकता है आज के मैच में इन्हें बाहर बिठा दिया जाए, लेकिन इनका एक प्लस पॉइंट ये कि बैटिंग अच्छी खासी कर लेता है और हार्ड हिटिंग भी करना जानता है। इस मैच में ज़्यादा अच्छी तो नहीं कर पाए क्योंकि बॉल ज़्यादा खेल लिया था, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा खेल सकता है बैटिंग में। टोबैगो नाइट राइडर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 28 अगस्त को इनका एक मैच हुआ था, तो बारबाडोस रॉयल के सामने इनका मैच हुआ था TKR का, जहाँ पर TKR ने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर मैच को अपने नाम कर दिया था। चेस कर रही थी टीम और 6 विकेट से अपने नाम कर दिया था। क्या हुआ था उस मैच में बात करते हैं। टीम सेफर्ट ने यहाँ पर 15 रन बनाए थे 25 मैच में, आर सेफर्ट होगा, माफ़ कीजिएगा, टीम सेफर्ट हो, दिनेश रामदीन ने 29 रन बनाए थे, किरण पोलार्ड ने 58 रन बनाए थे। पोलार्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहने वाला आज के इस मैच में, इनके बारे में मैं बात करूँगा आगे। अकील हुसैन ने यहाँ पर 1 विकेट लिया था। अकील हुसैन इनके बहुत ज़्यादा फेवरेट है। किसके फेवरेट है? किरण पोलार्ड के, क्योंकि यहाँ पर अखिल हुसैन का यहाँ पर इन्होंने वेस्ट इंडीज़ में इनका डेब्यू कराया था, किरण पोलार्ड ने ही। रवि रामपाल 3.2 ओवर्स डाले थे, 13 रन देखे, 2 विकेट लिए थे, बहुत शानदार बॉलिंग की थी इनके ही साथ, बॉलिंग बहुत शानदार की थी ईश्वर उड़ाना ने, जहाँ पर 5 विकेट इन्होंने अपने नाम किए थे। ईश्वर उड़ाना थोड़ी सी बल्लेबाजी करना भी जानता है, 4 ओवर में 21 रन देखे, 5 विकेट लिया था, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। सुनील नारायण ने 1 विकेट लिया था और ओपन में भी अच्छे खासे रन बना दिए थे। सो ये कुछ था TKR के लास्ट मैच का समरी। TKR भी इस साल क्वालिफाई करने वाली है ये मेरे को लगता है, और फाइनल्स भी खेलने वाली है ऐसे भी मुझे लगता है। लास्ट टाइम तो TKR की जो टीम थी वो पूरी वन साइडेड थी, और उसके चलते ही यहाँ पर CPL के मैनेजमेंट ने निर्णय लिया था कि बड़ा ऑक्शन एंड ऑल करेगी, उसके चलते अभी थोड़ी सी टीम इनकी चेंज हुई है, न्यू प्लेयर्स आए हैं, बट फिर भी इनकी टीम बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आ रही है। सो ये कुछ था TKR का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। अब फाइव टू प्लेसी लास्ट मैच में बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो गए। क्यों फ्लॉप हो गए बता दिया मैंने आपको रीज़न,
जमैका तलावाज ने 251 रन का बड़ा लक्ष्य 251 रन का बड़ा लक्ष्य रख दिया था सामने, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाई थी इनकी बैटिंग की टीम बैटिंग सेक्शन से एंड ऑल। बट क्या हुआ है विल बी क्रूशल फॉर SLK's होप। अब बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाले फैफ डुप्लेसी। क्यों क्रूशल रहने वाले? एक तो एक कप्तान है अपने टीम के लिए, ऊपर से इनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, प्लस T20 में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करना जानते हैं, CSK के लिए ओपन भी करते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है इनसे, बेस्ट फील्डर भी है, सब कुछ है, बट देखना पड़ेगा। कमिंग ऑफ अ गोल्डन डक ऑफ कपल ऑफ डेज अगो, गोल्डन डक से आ रहे हैं फैफ डुप्लेसी, विल बी लुकिंग फॉर हिज बिग इनिंग सिंस रिटर्निंग फ्रॉम अ कंक्लूजन। तो बड़ी इनिंग एक बहुत टाइम से इनकी ड्यू है, जो कि हो सकता है हमें इस मैच में देखते हुए नज़र आ जाए। और इन्होंने जो ही हैज स्कोर टू जस्ट 2 रन इन 2 इनिंग्स वर्सेस TKR के सामने भी इनका स्कोर ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, तो हो सकता है आज के मैच में फ्लॉप होते हुए नज़र आ जाए, 10-15 रन बनाएंगे। लेकिन इनकी एक मेन बात यह है कि कैचिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है, 1 से 2 कैच पकड़ लेता है, 16 पॉइंट्स बाद दे देता है, 10-15 रन भी मार दे तो 30-40 रन बना देता है, तो एक ड्रीम टीम में होने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर है ये। अब बात करते हैं टीम डेविड के राइस के बारे में और इसके बारे में। टीम डेविड के बारे में बात करूँ तो RCB ने इन्हें रिसेंटली लिया है, सिंगापुर के फर्स्ट प्लेयर है जो कि IPL खेलेंगे, और सिंगापुर बॉर्न, माफ़ कीजिएगा, अभी तो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है, बिग बैश एंड ऑल खेलते हैं, बिग बैश में भी बहुत ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था, 100 लीग में भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं, और अभी CPL में भी बहुत ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस दिया फर्स्ट मैच में ही। इन्होंने 56 रन बनाए 28 बॉल में से जमैका के सामने, जहाँ पर अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा तगड़ी इनिंग खेली इन्होंने, 255 का लक्ष्य था सामने, सारे बैट्समैन यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इसने आके अच्छे खासे रन बना दिए, इसको उड़ाना। अब इसके बारे में बात करूँ तो ये भी RCB के लिए खेल चुका है, और RCB ने बताया था कि RCB की मारे में इन पर 11 करोड़ तक लगाने के फुल चांसेस थे, मॉरिस को जाने दिया था उस टाइम पे और मॉरिस के बदले इन्हें लेना चाहते थे, 11 करोड़ तक का इनका बजट था फ्रेंड्स, लेकिन उतने में आए नहीं, बहुत ज़्यादा सस्ता है, कुछ लैक्स में आ गए थे, लेकिन अगर इतनी बड़ी मैनेजमेंट कुछ सोच रही है तो इसमें कुछ तो पोटेंशियल हो गई, और उन्होंने वो पोटेंशियल दिखाया भी हमें TKR की टीम से 5 विकेट लिए फर्स्ट मैच में वर्सेज बारबेडोस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले आज के मैच में भी। और अगर इसके बारे में बात करूँ तो बैटिंग भी अच्छी खासी करना जानता है, अगर आपको लगता है कि 10-15 रन भी बना दे 1 से 2 विकेट ले ले तो कितना अच्छा प्लेयर हो जाएगा, आप खुद ही सोच सकते हो। ये कुछ था। अब बात करते हैं प्लेयर ऑन दिस वेन्यू के बारे में, तो मतलब प्लेयर्स जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए, जो अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको ज़्यादा यहाँ पर खेल चुकी इनिंग्स एंड ऑल, उनका मैंने यहाँ पर रख दिया स्टैट्स एंड ऑल, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहने वाला है यहाँ पर, ये आपको ज़रूर देखना है मेन पार्ट इस वीडियो का। लंडन सिमंस के बारे में बात करूँ तो 17 इनिंग्स इन्होंने खेली है, 575 रन है, 97 का इनका हाई स्कोर है, इस वेन्यू पे बात चल रही है फ्रेंड्स, 41 का एवरेज है, और 5 50 और 2 30 का आंकड़ा इन्होंने टच कर दिया है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है आज के मैच में, हो सकता है कि ये आपको बड़ा इनिंग में कुछ स्कोर करके दे सके, लास्ट मैच में ज़्यादा कुछ अच्छा स्कोर नहीं किया था, तो इस मैच में हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी कैप्टनशिप आप इन्हें ज़रूर दे सकते हो। देन फ्लेचर भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बिग बैश में खेलता है, बिग बैश के लिए मोस्टली मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलता है, और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, ओपन करने वाले मोस्टली, 11 मैचेस में 400 रन है, 78 का इनका हाई स्कोर है, 40 का एवरेज है, 4 50 और 2 30 का आंकड़े इन्होंने टच किया है। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसने रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ के लिए डेब्यू किया है, इंपॉर्टेंट है, और लास्ट मैच जो इनका हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आई गेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही था, बट वहाँ पर बहुत तगड़ी, नॉट नॉट ऑस्ट्रेलिया नहीं, पाकिस्तान के सामने था, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान के सामने, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा इनका बॉडी लैंग्वेज ऑल नज़र आ रहा था, तो हो सकता है आज के मैच में अच्छा तगड़ा परफॉर्मेंस दे दें। केरन पोलार्ड के बारे में बात करूँ तो इस वेन्यू में 9 मैचेस में 289 रन, 63 का स्कोर, 41 का एवरेज है, 2 50 और 3 30 का आंकड़ा टच किया है। अब देख लीजिए, अगर इसको लास्ट के 2 ओवर भी बैटिंग मिल जाए, जो कि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, और 2 ओवर में से ये 10 बॉल खेल जाए ना, तो मैं बोलता हूँ 20 रन या 30 रन तो निकाल के देता है, प्लस इसकी फील्डिंग में आपको 1 पॉइंट अगर 1 कैच पकड़ ले तो आप निकाल देगा, बॉलिंग कर ले तो 1 विकेट तो निकालता ही है, ये मेरी गारंटी है। मतलब मैं बोलता हूँ, मुझे जब जब ये बॉलिंग करता है ना, ऐसे ही टाइम पर आता है जब इसे लगता है कि विकेट निकाल सके ये, सो उस टाइम पर आके विकेट ज़रूर निकालता है। दिनेश रामदिन 8 मैचेस में 184 रन है, 54 का इनका हाई स्कोर है, 46 का एवरेज है, 2 50 और 1 30 का आंकड़ा इन्होंने भी पार किया है, इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी रह सकता है। DM रावो 10 मैचेस में 169 रन, 38 का हाई स्कोर, 21 का एवरेज और 30 का आंकड़ा इन्होंने भी 2 बार पार किया है। कॉलिन मंद्रू लास्ट सीजन के हीरो थे TKR के लिए, ओपन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तगड़ा ओपनिंग कर रहे थे, 5 मैचेस में 161 रन से इस मतलब ओवरऑल इस मेन्यू पर देखा जाए तो 76 का हाई स्कोर है, 40 का एवरेज है, 1 50 और 1 30 का आंकड़ा इन्होंने भी पार किया है।
मोस्टली वन डाउन पे है, तो वन डाउन पे इनका उतना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं है एज़ कम्पेयर टू जब ओपन करता है ये। ऊपर से इनका अभी न्यूजीलैंड टीम से भी बाहर हो गया है, मतलब वर्ल्ड कप के लिए इन्हें सिलेक्ट नहीं किया, तो इन्होंने खुद नहीं बोला कि शायद मेरा अभी करियर ख़त्म हो चुका है, मेरा कोई चांस स्कोप नहीं है इंटरनेशनल में। सो ये कुछ अब एन्जॉयमेंट के लिए खेलेंगे मोस्टली। बॉलिंग के अगर हम बात करें तो केसरिक विलियम्स का पर 10 इनिंग में 23 विकेट है इस वेन्यू पे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 10 इनिंग में 23, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा अच्छा प्लेयर है ये। बेस्ट फिगर्स के बारे में बात करें तो 4/4/28 4 विकेट है, एवरेज 11 का जितना, स्ट्राइक रेट है इसका 8 का। सुनील नारायण 14 इनिंग्स में 13 विकेट, बेस्ट फिगर्स है 3/11। केरन पोलार्ड का 8 इनिंग में 10 विकेट है, देख सकते हो इंपॉर्टेंट है कितना, और ऑलमोस्ट यहाँ पर बॉलिंग करता ही है, मतलब टोटल 9 इनिंग में यहाँ पर बैटिंग किया है तो 8 इनिंग में बॉलिंग भी किया है। ए फिलिप 4 इनिंग में 7 विकेट, ए जोसेफ 7 इनिंग में 7 विकेट। ए जोसेफ भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला आज के इस मैच में, ज़रूर आपको आपकी टीम में रखना चाहिए इसे। ये कुछ था इंपॉर्टेंट वेन्यू शॉर्टलिस्ट, वेन्यू का डिटेल। अब शॉर्टलिस्ट के बारे में बात करते हैं, तो अगर शॉर्टलिस्ट के बारे में बात करें तो केसरिक विलियम, केरन पोलार्ड, लिंडन सिमंस, एंड्रयू फ्लेचर और कॉलिन मनरो, इनका नाम आपको ज़रूर आना चाहिए वेन्यू शॉर्टलिस्ट में। तो आप वेन्यू शॉर्टलिस्ट का एक आप ज़रूर स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि आपको एंड में जाते हुए बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपकी टीम बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं थोड़ी सी मैच प्रीव्यू एंड टीम न्यूज़ के बारे में। तो सेंट लूसिया किंग्स के बारे में बात करें तो ट्रिबैंगो को फर्स्ट टाइम फेस करने वाली है दोनों ही टीम्स एक दूसरे को। ये कुछ हमें देखने को मिलने वाला है, दोनों ही टीम्स एक दूसरे को फर्स्ट टाइम फेस करने वाली है। सेंट लूसिया किंग्स के बारे में बात करें तो करंटली बॉटम पे है, इनका स्ट्राइक मतलब रन रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, एंड नेट रन रेट माफ़ कीजिएगा। एंड वही बात करें ट्रिबैंगो के बारे में तो वो थर्ड प्लेस पर हमें नज़र आ रही है पॉइंट्स टेबल के। सेंट लूसिया प्लेड 1 मैचेस इन दिस सीरीज ऑफ हीरो सीपीएल सो फार एंड दे हैव फेल्ड टू विन, वाइल ट्रिबैंगो हैज वॉन मैनेज टू विन द फर्स्ट गेम। ट्रिबैंगो नाइट राइडर्स हैव वॉन 4 मैचेस आउट ऑफ 5 रीसेंट अगेंस्ट सेंट लूसिया किंग्स। सो अगर आप रिकॉर्ड एंड ऑल भी देखोगे तो ट्रिबैंगो का बहुत ज़्यादा भारी, मैं आपको नीचे बताऊँगा ट्रिबैंगो और इन दोनों ही का कुछ क्या कनेक्शन है एंड ऑल। तो चलिए बता ही देता हूँ हेड टू हेड हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो टोटल 17 मैचेस के लिए इन दोनों ही टीम्स ने, एसएलके ने यहाँ पर सिर्फ 2 जीता है, टीकेआर ने जीता है 13, और नो रिजल्ट है अबंडेंट हुए 2 बार। सो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर टीकेआर का पगड़ा भारी है। टीकेआर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स है इन सीपीएल, सबसे ज़्यादा मैचेस जीती है और यहाँ पर टाइटल भी सबसे ज़्यादा इन्होंने ही जीते हैं। ये कुछ है हमें देखने को मिल रहा है, टीकेआर की टीम मोस्टली ये मैच भी ईजिली अपने नाम कर सकती है। लास्ट फाइव हेड टू हेड रिजल्ट्स के बारे में बात करूँ तो या फिर एक मैच हुआ था 11 सितंबर 2020 जहाँ पर एसएलके की टीम ने 154/10 रन बनाए, 10 विकेट गवाए थे, जहाँ पर डॉयल ने 29 रन बनाए थे, फ्लेक्शन ने 29, रोस्टन चेज ने 22, वही रोस्टन चेज ने 1 विकेट लाया था। वही टीकेआर के बारे में बात करूँ तो टीकेआर की टीम ने यहाँ पर ईजिली बहुत ज़्यादा ईजिली यहाँ पर मैच को अपने नाम कर दिया था, 157/2 रन, लंडन से मैंने 84 रन, डीएम राव ने 58 रन, अकील हुसैन ने 1 विकेट लिया था, अली खान ने 2 लिए थे, केरन पोलार्ड ने 4 विकेट लिए थे। फ्रेंड्स तो ये कुछ था जहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गया था टीकेआर के ओपनर से एंड वन डाउन प्लेयर से, बहुत ज़्यादा हेल्प उन्होंने किया था। टीकेआर ने 8 विकेट से ही मैच को अपने नाम किया था। वही सेकंड मैच के बारे में बात करें तो 6 सितंबर को हुआ था 2020 में, और जहाँ पर टीकेआर की टीम ने 175 रन बनाए थे 5 विकेट गवा के, वेबस्टर ने 20 रन बनाए थे, ब्रावो ने 50 और पोलार्ड ने 42 रन बनाए थे। जे सील्स 2 विकेट लिए थे, केरन पोलार्ड ने 3 लिए थे। तो आप देख सकते हो पोलार्ड का नाम आपको हमेशा ऑलमोस्ट दिखेगा, यहाँ पर रन भी बनाए थे, यहाँ पर विकेट्स भी लिए थे, इंपॉर्टेंट प्लेयर है पोलार्ड, ज़रूर आपकी टीम में आज के मैच में भी रहना चाहिए। एसएलके के बारे में बात करें तो 152 मैचेस में 152/7 रन, और ये मैच भी हार गई थी। टीकेआर 23 रन से मैच को अपने नाम किया था, दयाल ने 40 रन बनाए थे, फ्लेचर ने 42 रन बनाए थे, केसरिक ने 1 विकेट लिया था, ठीक है, वन बाय 23 रन, देख सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये मैच। वही अगर हम बात करें एसएलके वर्सेस टीकेआर का, 27 अगस्त 2020 को ही हुआ था एक मैच, एसएलके ने 111/6 रन बनाए थे, 6 विकेट गवाए थे, अंदर फ्लेक्शन ने 10 रन, कॉनवेल ने 18, दयाल ने 16, केसरिक विलियम ने 2 विकेट लिए थे, टीकेआर ने 72/4 और डीएल मेथड से टीकेआर ने ये मैच भी जीता, जहाँ पर मंद्रो ने 17 रन, ब्राउ ने 23 रन, अकेल अली खान ने 1 विकेट और के पेरी ने 1 विकेट निकाला था रिस्पेक्टिवली। ये मैच भी टीकेआर ने 6 विकेट से अपने नाम किया था डीएल मेथड से। तो आप देख सकते हो टीकेआर का पगड़ा कितना ज़्यादा भारी है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली आज के मैच में टीकेआर। लेकिन अभी देखिए एसएलके की टीम ने भी बहुत ज़्यादा चेंजेस किए, फैफ डु प्लेसी उनके न्यू कप्तान है अपने टीम के लिए आए हैं, सो देखना होगा क्या कुछ करती है ये टीम्स।
वापस हुआ था 2 सितंबर 2019 में, 2019 9 सितंबर में हुआ था। आप देख सकते हो पॉज करके वीडियो को वापस, और एक मैच होता है 17 अगस्त 2018 में, ये भी आप पॉज करके ज़रूर से एक बार गो थ्रू कर सकते हो जनरल नॉलेज के लिए। ये मैंने फर्स्ट थ्री मैचेज जो रिसेंटली हुए थे वो बता दिए हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में, ये दोनों ही टीम जब खेलते हैं तो हेड टू हेड में क्या रिकॉर्ड रहते हैं इनके। फ्लेचर के बारे में बात करें तो 17 इनिंग में 451 रन है, हेड टू हेड में 57 का हाई स्कोर है और 28 का एवरेज है, 1.50 और 5.30 का रन इन्होंने पार किया है। डीएम ब्रावो के बारे में बात करूँ तो 10 पैचेस में 323 रन, 94 का हाई स्कोर है, 107 का इनका एवरेज है, 4.50 इन्होंने भी जड़े। कॉलिन मंद्रू 8 मैच में 227 रन, 68 का हाई स्कोर, 32 का एवरेज, 2.50 इन्होंने भी जड़ा है। लंडन सिमंस 4 इनिंग्स में 55 रन, 84 का इनका हाई स्कोर है, 51.67 का इनका एवरेज है और 2.50 इन जड़े। कैरन पोडार 3 इनिंग में 72 रन, 42 का स्कोर, 36 का एवरेज, 1.30 इन्होंने जड़ा है। रकीम कॉनवेल 7 इनिंग में 133 रन, 53 का इनका स्कोर है, 19 का एवरेज, 1.50 और 1.30 इन्होंने जड़ा है। एम दयाल 3 इनिंग्स में 85 रन, 40 का हाई स्कोर, 28 का एवरेज और 0.50 और 1.30 इन्होंने जड़ा है। बॉलिंग के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हो बॉलिंग में केरन पोलार्ड 5 इनिंग में 9 विकेट, 14 का एवरेज, केसिक विलियम 5 इनिंग में 6 विकेट, 28 का एवरेज, अली खान 5 इनिंग में 5 विकेट, 24 का एवरेज, सुनील नारायण 8 इनिंग में 5 विकेट, 37 का एवरेज और कैरी बेयर 7 इनिंग में 4 विकेट, 38 का एवरेज। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई सक्सेसफुल बॉलर रहा है तो वो रहा है केरन पोलार्ड, इस हेड टू हेड में भी, इस वेन्यू में भी। मतलब आप देख सकते हो नंबर वन कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन आज के इस मैच में आपके लिए ज़रूर होना चाहिए। हेड टू शॉर्टलिस्ट के बारे में बात करें तो पोलार्ड, मंद्रू, लंडन सिमंस और डीएम ब्रावो, ये कुछ आपके हेड टू हेड शॉर्टलिस्ट में नाम जरूर आते हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। तो पोलार्ड का नाम वेन्यू शॉर्टलिस्ट में भी आया था, हेड टू हेड शॉर्टलिस्ट में भी आया था, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही सेक्शन में आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ज़रूर आपकी टीम में रहना चाहिए। साथ ही साथ सिमंस और मंद्रू का भी नाम आ रहा है, ब्रावो का भी नाम आ रहा है, तो ये आपके में इंपॉर्टेंट और प्राइम प्लेयर्स रहने चाहिए आपकी टीम में। अभी बात करते हैं हमारे ड्रीम इलेवन टीम की, उसके पहले मैं बता दूं अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ना भाई साहब, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। डेली हम लोग 10 मैचेस अगर खेलते हैं तो 7 से 8 मैचेस हम लोग क्लीन स्वीप करा रहे हैं, उसके स्क्रीनशॉट भी पोस्टेड है टेलीग्राम चैनल पे, चाहिए तो आप एक बार लुक ले लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को गो थ्रू कर लीजिए, अगर पसंद आता है तो ही लाइक कर देना, कोई फोर्स तो ही सब्सक्राइब कर देना, कोई फोर्स नहीं है, आप खुद ही बहुत ज़्यादा हमसे इंप्रेस हो जाओगे और हो जाओगे फॉलो। सो चलिए अभी बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल के लिए और टेम्परेरी ऐसी कुछ हमारी ड्रीम इलेवन की टीम बनी है एज़ पर स्टैट्स एंड रिकॉर्ड्स, लेकिन टॉस के बाद कुछ भी चेंजेस होता है, पिच में कुछ भी चेंजेस होते हैं, जैसे पिच चेंजेस होते रहते हैं, एक ग्राउंड पे 2 से 3 पिचेस होते हैं, तो कौन से पिच पे मैच होगा, वो पिच कैसा रिएक्ट करेगा, कौन से प्लेयर के लिए सूटेबल रहेगा, वो सब कुछ हम लोग एनालिसिस करते हैं टॉस के बाद, फिर हमारी टीम बना के हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देते हैं। तो हमारी टीम आपको फाइनल वहाँ पर ही मिलने वाली है, सो आपको वहाँ पर जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाना है। विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने फिलहाल के लिए आंद्रे फ्लेचर को, बैटिंग सेक्शन से लिया लंडन सिमंस, डीएम ब्रावो, फैफ डुप्लेसी और कॉलिन मंद्रू को, ऑलराउंडर सेक्शन से लिया रोशन ची, सुनील नारायण और केरन पोलार्ड को, बॉलर सेक्शन से लिया केसिक विलियम, अकेल हुसैन और रवि रामपाल को, कैप्टनसी आप देख सकते हो मैंने दिए सुनील नारायण को, एक ही रीज़न है 3 से 4 ओवर डालेंगे, साथ ही साथ ओपन भी करेंगे, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, और वही वाइस कैप्टनसी मैंने दिए केरन पोलार्ड को, मैंने बताया आपको क्यों देनी है इसे और मैंने क्यों दी है। सो ये कुछ हमारी फाइनल टीम, अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो ज़रूर अपडेट कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच एंड हैव अ गुड डे।